सब बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला। और आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके का भाग 2। भाग एक अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिए, उसमें भी एक जरूरी टॉपिक मैंने कवर कराया है उसमें, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो वीडियो को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस सीरीज में जितनी भी वीडियोज आएंगी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत रत्न अवार्ड, जो भारत के जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है उन ये कहा जाता है भारत रत्न को, और जो हमारे अवार्डीज हैं इसमें कि आज तक कितने लोगों को मिल चुका है उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटा सा टारगेट रखते हैं आगे बढ़ने से पहले, वीडियो लाइक्स का टारगेट है 100। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो लाइक ज़रूर करिए और इस टारगेट को पूरा कीजिए। और वीडियो सब्सक्राइबर, जो हमारा चैनल सब्सक्राइबर है उसका टारगेट है 50, ठीक है। इसी तरह के रेलेवेंट डेटा को आगे लेने के लिए इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन सब आपको मिलती रहे, ठीक है, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न अवार्ड के जो अवार्डीज होते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, भारत रत्न मिलने के बाद उनकी वैल्यू किस तरह से बढ़ जाती है, ठीक है। देखिए ये जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की, अगर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करें तो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए किसी भी कोई फंक्शन है, किसी फंक्शन में हमारे पास प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तीनों जो है वहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आप पहले प्राइम मिनिस्टर को अटेंड करें और तब तक हमारे प्रेसिडेंट वेट करते रहें, वो जो तरीका होगा वो गलत होगा, ठीक है। हमें इस ऑर्डर के हिसाब से ही चलना होता है। अगर तीनों एक साथ मौजूद है तो हमें सबसे पहले प्रेसिडेंट को ही अटेंड करना होगा, ठीक है, उन्हीं को अटेंड करना चाहिए। उसके बाद प्रेसिडेंट को क्या कहा जाता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के। तो इस लिस्ट में जो भारत रत्न के अवार्डीज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने पूरी लिस्ट जो है स्क्रीनशॉट लिया हुआ है विकिपीडिया से। तो नंबर 4 पे आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट, नंबर 5 पे आते हैं फॉर्मर प्रेसिडेंट जो पहले रह चुके हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और 5A, 5 में ही एक अलग से कॉलम बनाया है 5A, उसमें आते हैं जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लेकिन हमारे पास तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर नहीं है। पोस्ट हो सकती है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की, लेकिन इस समय भारत में कोई नहीं है। भारत के सबसे पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। आगे चलिए, नंबर 6 पे आते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है इस समय एसए बोबड़े। उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा इस समय कौन है, ओम बिरला। तो आज का पहला क्वेश्चन मुझे बताइए, जो ओम बिरला है उनकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है। उसके बाद 7 नंबर पे आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये तो इस समय है नहीं क्योंकि प्लानिंग कमीशन तो बदल के उसका नाम जो है नीति आयोग कर दिया गया था, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग है अब। और उसके बाद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, एच डी देवेगौड़ा, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा जो गुलाम नबी आजाद हैं इस समय, और लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा, राज्यसभा में इस समय कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है। तो 7 के बाद 7 में ही एक जैसे कॉलम बनाया है 7A, उसमें लिखा जाता है कि भारत रत्न के अवार्डीज जो है। तो अगर आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए जो भारत रत्न अवार्डीज है उनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में किस नंबर पे आता है प्रेफरेंस में, तो हम लिखेंगे 7। अगर ऑप्शन में 7 है तो 7, अगर 7A है तो 7A, और अगर 7 और 7A दोनों है तो फिर 7A को ही मार्क करेंगे, ठीक है। तो जिस हिसाब से अगर ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अब एक और, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, शुरू किया गया था 2 जनवरी 1954 को, 2 जनवरी 1954 को ये अवार्ड स्टार्ट किया गया था। और ये अवार्ड दिया जाता है विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और सेक्स। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपकी क्या ऑक्यूपेशन है, किस रेस से हैं, क्या पोजीशन है, कुछ नहीं देखा जाता। अगर आपने अच्छा काम किया है, रिमार्केबल काम किया है, तो आप भारत रत्न जो है रिसीव करने के योग्य हैं। काम लेकिन अच्छा ही होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, कुछ इस तरह से दिखता है भारत रत्न। इसमें ये फ्रंट है इसका और ये इसकी रिवर्स साइड है। तो रिवर्स फ्रंट साइड पे आप देखेंगे एक सन छिपा हुआ होता है, एक पीपल का पत्ता, पीपल के पत्ते की तरह इसकी शेप होती है, ब्रॉन्ज का बना हुआ होता है ये, और उस पर हिंदी में लिखा होता है भारत रत्न, हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि में लिखा होता है, ठीक है। बैक साइड में ये आप देख सकते हैं अशोक स्तंभ से, अशोक स्तंभ जो है ये इसको हम एम्बलम कहते हैं, जो हमारा स्टेट एम्बलम है वो है, और इसके पीछे ही, इसके नीचे ही ये लिखा होता है स्टेट मोटो, हमारा जो भारत का मोटो है ये है सत्यमेव जयते।
तो आज का दूसरा क्वेश्चन, भारत का सत्यमेव जयते जो मोटा है कौन से उपनिषद से लिया गया है, कमेंट में लिख के जरूर बताइए। ये मैंने जैसे आपको बता ही दिया है कि इसमें सन होता है, उसके बाद भारत रत्न लिखा होता है देवनागरी लिपि में, और पीपल का पत्ता होता है। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि जो पीपल है, पीपल का साइंटिफिक नेम क्या है? तो पीपल ट्री का साइंटिफिक नेम है फिकस रेलिगियोसा, फिकस रेलिगियोसा, ठीक है। उसके बाद रिवर साइड में एक जो स्टेट एम्बलम होता है, और उसके नीचे लिखा जाता है नेशनल मोटो, यानी कि सत्यमेव जयते, देवनागरी स्क्रिप्ट में। आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भारत रत्न के बारे में हमें पता होने चाहिए। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, मैंने आपको बता दिया। दूसरी जो इंटरेस्टिंग बात है, यह है इट्स एन एक्लेट। एक्लेट मतलब कि इसमें कोई पैसे का प्रावधान नहीं है, इसमें पैसा नहीं दिया जाता। अगर किसी को भारत रत्न दिया जाएगा तो उसके साथ पैसा नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्लेट है, मतलब कि सिर्फ सम्मान है। जब सम्मान है, भारत का सबसे ऊंचा सम्मान है, तो उसको मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जब भारत का सबसे ऊंचा सम्मान है तो इसका हम मोल कैसे लगा सकते हैं, तो ये अनमोल है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद ये देता कौन है? गिवन बाय प्रेसिडेंट बट प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के प्राइम मिनिस्टर प्रपोज करते हैं, प्रेसिडेंट को नेम जो है उसकी लिस्ट प्रेसिडेंट को देते हैं, और फिर प्रेसिडेंट आगे देते हैं। 2 जनवरी 1954 को स्टार्ट किए गए थे, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सबसे पहले। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, जब शुरू में दिए गए तो ये डिसाइड किया गया था कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो रिमार्केबल काम करेंगे, जो रिमार्केबल वर्क होगा जिसका आर्ट, लिटरेचर, पॉलिटिक्स या सोशल वर्क में, ठीक है। लेकिन 2011 से, दिसंबर 2011 से ये तय किया गया कि कोई भी फील्ड हो, अगर किसी ने किसी भी फील्ड में अगर अच्छा काम किया है तो हम उसको भारत रत्न दे सकते हैं। लेकिन एक बात है कि ये जरूरी नहीं हर साल दिए जाए, कोई जरूरी नहीं है कि हर साल दिए जाए, कितने भी साल का गैप हो सकता है, 2, 4, 6। जब प्राइम मिनिस्टर को लगता है कि हाँ ये डिजर्विंग पर्सन है, इनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो उनका जो नाम है आगे प्रेसिडेंट को दे देते हैं और उनको भारत रत्न दिया जा सकता है, ठीक है। और एक बार में, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही दिया जाएगा, एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। आगे चलते हैं, कुछ और फैक्ट्स हैं। 1955 से शुरू किया गया ये मरणोपरांत, यानी कि जब शुरू किए गए तब ऐसा प्रावधान नहीं था कि जो आदमी इस समय जिंदा नहीं है उसको भी भारत रत्न दिया जा सके। लेकिन 1955 से शुरू किया गया कि अगर कोई आदमी जिंदा नहीं है और उसने बहुत अच्छा काम किया है तो हम उसको भी भारत रत्न से सम्मानित कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक इसमें सर्टिफिकेट और ब्रॉन्ज पीपल का लीफ दिया जाता है। मैं आपको बता चुका हूँ कि पैसे नहीं मिलते हैं, एक सर्टिफिकेट और ब्रॉन्ज पीपल का लीफ ही मिलता है। आज तक ना कि सिर्फ भारतीय लोगों को मिला है बल्कि दो जो फॉरनर हैं उनको भी दिया जा चुका है, और एक न्यूट्रलाइज इंडियन, मतलब कि पहले भारत के जो नागरिक हैं नहीं थे लेकिन बाद में भारत की नागरिकता दी गई, जी हाँ, एक न्यूट्रलाइज्ड इंडियन को भी दिया गया है। आगे हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में। अभी तक टोटल मैं बात कर रहा हूँ आज 11 मार्च 2020 की। अगर आप इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो एक बार थोड़ा अपडेट देख लीजिए कि अगले इसके बाद किसी को अवार्ड मिला है या नहीं। लेकिन 11 मार्च 2020 तक जो है 48 लोगों को ये मिल चुका है, 48 पीपल को मिल चुका है, और जिनमें से 14 जो है वो पोस्थमसली दिया गया है। 14 लोगों को जो अवार्ड दिया गया वो पोस्थमसली दिया गया है, ठीक है। अब ये बीच में 2 बार डिसकंटिन्यू भी कर दिए गए थे, जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक ये एक बार डिसकंटिन्यू किए गए, और अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक, ठीक है। तो ये दो जो टाइम स्लैब, जो दो टाइम विंडो है ना, इनको जरूर याद रखिए कि कितनी बार डिसकंटिन्यू किए गए, 2 बार। एक बार जुलाई 1977 से जुलाई 1980 तक, जनवरी 1980 तक, और अगस्त 1992 से दिसंबर 1995 तक, ठीक है। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अवार्डीज की जिन्होंने भी जीता है। देखिए 48 पीपल हैं, हम सभी के बारे में बात करेंगे, जल्दी जल्दी इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए मेरे साथ, अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो मैं समझूंगा, तभी आप आखिर तक बने रहेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1954 में किस किस को मिला। 3 लोगों को मिला, एस राधा कृष्णन को मिला, सी राजगोपालाचारी को मिला, और सी वी रमन को मिला, ठीक है। तो एस राधा कृष्ण हमें पता है सेकंड प्रेसिडेंट थे इंडिया के, 5 सितंबर को इन्हीं की याद में टीचर्स डे मनाया जाता है। ये एक और इनके बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु कुड नॉट अटेंड द डेली रिपब्लिक डे परेड बिकॉज ऑफ हिज इल हेल्थ। ये बीमार थे, उसकी वजह से ये जो दिल्ली रिपब्लिक डे परेड होती है वो अटेंड नहीं कर पाए थे। और ये हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे, भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। सी राजगोपालाचारी की बात करते हैं, इनको राजा जी कहा जाता था, इनको जो है इनका सरनेम कह सकते हैं कि इनको राजा जी का टाइटल भी दिया गया था, लोग प्यार से राजा जी कहते थे इनको। और ये लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और ओनली गवर्नर जनरल थे, ओनली इंडियन थे जो गवर्नर जनरल बने हैं इंडिया के, क्योंकि इसके बाद तो फिर जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट है वही खत्म कर दी गई थी, और हमने यूएसए से
प्लीज याद रखिए, यूएसए से हमने एक नई पोस्ट अडॉप्ट की जिसको कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं होता है, भारत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। उसके साथ इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की, और इनको एक निकनेम भी दिया जाता है, मैंगो ऑफ कृष्णागिरी, मैंगो ऑफ कृष्णागिरी, ठीक है। सब सी वी रमन की बात करते हैं। सर सी वी रमन एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट हैं, बहुत ही मतलब कि इनको भारत इनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है 1930 में, 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजिक्स के लिए। इन्होंने जो है रमन इफेक्ट की खोज की थी, रमन इफेक्ट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट की खोज की थी, फरवरी 28 को मिला था, तो फरवरी 28 में इन्होंने खोज की थी। तो इन्हीं की याद में हम नेशनल साइंस डे भी मनाते हैं, ठीक है, नेशनल साइंस डे मनाते हैं। 1928 में इन्होंने खोज की थी, ठीक है। आगे चलते हैं, 1955 में भी तीन लोगों को दिया गया, ये है भगवान दास और एस सर एम विश्वेश्वरिया को दिया गया, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया, ठीक है। भगवान दास के बारे में अगर बात करें तो भगवान दास को को फाउंडर कहा जाता है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने बनाने में भी मदन मोहन मालवीय के साथ काफ़ी रिमार्केबल काम किया, ठीक है। उसके बाद एम विश्वेश्वरिया जो है इनको, ये बहुत ही उम्दा इंजीनियर थे, ठीक है, ये सिविल इंजीनियर थे, और जो मैसूर के दीवान भी रहे 1912 से 1919 तक। उसके बाद 15 सितंबर जो है इन्हीं की याद में इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, न कि सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका और तंजानिया में भी मनाया जाता है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये भारत के पहले जो प्रधानमंत्री हैं उनको चाचा नेहरू कहते थे, और बच्चे मतलब चाचा इनको कहते थे, और जो 14 नवंबर का दिन है चिल्ड्रन डे मनाया जाता है इन्हीं की याद में, ठीक है। 1957 में सिर्फ एक आदमी को दिया गया, एक पर्सन को दिया गया, गोविंद वल्लभ पंत को, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 1958 में जो दिया गया वो दिया गया धोंडो केशव कर्वे, धोंडो केशव कर्वे, जी हाँ इनकी प्रोनाउंसिएशन होगी इनके नाम की, धोंडो केशव कर्वे, इनको महर्षि कर्वे भी कहा जाता है, एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। 1955 में इनको ऑलरेडी पद्म विभूषण से नवाजा गया, और ये ओल्डेस्ट पर्सन है भारत रत्न रिसीव करने वाले, इनको जो भारत रत्न मिला इनके 100th बर्थडे पर मिला था, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, ठीक है। उसके बाद इन्होंने विडो रिमैरिज के लिए काम किया, और 1916 में इन्होंने फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन ओपन की, किस कहाँ पे, पुणे में, कहाँ पे ओपन की, पुणे में, ठीक है। उसके बाद 1961 में बात करते हैं, दो लोगों को दिया गया, बी सी रॉय, बी सी रॉय एक बहुत ही बड़े डॉक्टर हुए हैं भारत के, इंडियन फिजिशियन थे। उसके बाद और इन्हीं की याद में भारत में डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। उसके बाद ये सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे बंगाल के, ठीक है। अब पुरुषोत्तम दास टंडन एक और आदमी को मिला, पुरुषोत्तम दास टंडन ये भी फ्रीडम फाइटर थे, और इन्होंने जैसे भारत में हिंदी भाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए इन्होंने काफ़ी एफर्ट्स लगाए, ठीक है। इनको एक टाइटल दिया गया था राजर्षि, और इनको यूपी गांधी भी कहा जाता था, पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे बढ़ते हैं, 1962 में राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद आप जानते होंगे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, और इनको अजात शत्रु कहा जाता था, अजात शत्रु मतलब जिसका कोई भी शत्रु ना हो। उसके साथ ही जब भारत का संविधान बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, तो उसके परमानेंट जो प्रेसिडेंट बने वो राजेंद्र प्रसाद जी ही बने थे, जो टेम्परेरी बने थे वो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, लेकिन उसके बाद जो परमानेंट बना दिया गया वो राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। उससे भी पहले जब आज़ाद होने से पहले हमारी जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में जब इंटरिम सरकार बनी थी, उसमें इन्होंने फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर का जो पद है वो संभाला था, और ये ओनली प्रेजिडेंट, अकेले ऐसे प्रेजिडेंट हैं जिन्होंने दो फुल टर्म अपनी एज ए प्रेजिडेंट पूरी की है, ठीक है। 1963 में जाकिर हुसैन खान को मिला, भारत के तीसरे राष्ट्रपति, बिहार के गवर्नर भी रहे 1957 से 1962 तक, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे 1962 से 1967 तक, ठीक है। उसके बाद जामिया मालिया इस्लामिया के भी ये जो है उसके हेड थे, और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस, ये पहले इंडियन प्रेसिडेंट थे जिनकी अपनी राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई। उसके बाद पांडुरंग वामन काने, ये संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, संस्कृत के बहुत बड़े स्कॉलर थे, इनको इन दोनों को ही 1963 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया। 1966 में दिया गया उसके बाद डायरेक्ट लाल बहादुर शास्त्री को, ये पहला मरणोपरांत भारत रत्न अवार्ड था जो दिया गया। देखो मैंने स्टार लगा दिया है, अगर कोई भी पर्सन जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है तो उनके आगे आप स्टार देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 14 पीपल बताए थे कि 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, तो मैंने सभी 14 के 14 लोगों के नाम के आगे स्टार लगा दिया है, ठीक है। इनका जन्म हुआ मुगलसराय में, बताने की जरूरत नहीं है मुझे इनके बारे में,
इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 2 अक्टूबर को, गांधी जी के साथ ही इनका बर्थ एनिवर्सरी भी मनाई जाती है। इन्होंने ही नारा दिया था जय जवान जय किसान का, ठीक है। और भारत के सेकंड प्राइम मिनिस्टर थे। सेकंड प्राइम मिनिस्टर के बाद इन्होंने जब इंडो और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1965 में, तो इन्होंने भी कंट्री का नेतृत्व किया था, हमारे भारत का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। उसके बाद ना इनके बाद जो है 1971 में दिया गया इंदिरा गांधी को, इनको आयरन लेडी भी कहते हैं। और जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद तीसरी जो प्रधानमंत्री बनी वो बनी हमारी इंदिरा गांधी। ये आज तक सिर्फ अकेली ही है जो फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है हमारे इंडिया में, ठीक है। सेकंड लॉन्गेस्ट सर्विंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर, सबसे दूसरे नंबर पे सबसे लंबी अवधि की प्राइम मिनिस्टर हैं। इनसे पहले जो सबसे लंबी अवधि की हैं वो इनके पिताजी जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने सबसे लंबा समय निकाला था 1971 में। हमारा भारत और पाकिस्तान के साथ हमारा जो है युद्ध हुआ था, तो उसमें इन्होंने सपोर्ट किया था बांग्लादेश लिबरेशन वॉर को, इन्होंने सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से एक नई कंट्री बांग्लादेश जो है उसका जन्म हुआ, ठीक है। इनकी हत्या कर दी गई थी 31 अक्टूबर 1984 को, आपको ये भी याद रखना है। चलिए 1975 में दिया गया वीवी गिरी को, ये हमारे भारत के फोर्थ प्रेसिडेंट रहे हैं, फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे हैं इंडिया के, ठीक है। जाकिर हुसैन की मृत्यु जो हुई थी 1969 में हुई थी, उस समय यही वाइस प्रेसिडेंट थे, ठीक है। और एज प्रेसिडेंट ही इज द ओनली पर्सन, अगर ये पूछा जाए सिंपल कि हु इज द ओनली पर्सन टू बी इलेक्टेड एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो वो भी वीवी गिरी ही होंगे हमारे, ठीक है। आगे चलिए हम बात करते हैं के कामराज की। के कामराज, इनको भी मरने के बाद जो मरणोपरांत दिया गया भारत रत्न अवार्ड, तो ये तीसरे चीफ मिनिस्टर थे तमिलनाडु के, ठीक है। इसके बाद इन्होंने ही लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री तक बनाने के लिए सपोर्ट किया था जब नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी उसके बाद, ठीक है। और इन्होंने खुद स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की थी, तो इनको पता था शिक्षा की वैल्यू क्या है, इसलिए इन्होंने फ्री एजुकेशन पर जोर दिया और मिड डे मील स्कीम जो है उसको भी इंट्रोड्यूस कराया इन्होंने, ठीक है। 1980, ये है फर्स्ट न्यूट्रलाइज्ड इंडियन, ये भारत की जो है नागरिक नहीं थी, लेकिन इनको भारत में भारत की नागरिकता दे दी गई थी, तो हम इन्हें कहते हैं न्यूट्रलाइज्ड इंडियन, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूट्रलाइज्ड इंडियन है जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया, मदर टेरेसा, ठीक है। मदर टेरेसा को सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं, और सेंट की उपाधि किन्होंने दी थी इनको, अर्जेंटीना के पोप फ्रांसिस ने, अर्जेंटीना के पोप फ्रांसिस ने। ये कैथोलिक नन थी एक, इनका जन्म हुआ था नॉर्थ मैसेडोनिया में, जिनकी राजधानी है स्कोपजे, स्कोपजे में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने एक जो है सोसाइटी भी शुरू की थी जिसका नाम था मिशनरीज ऑफ चैरिटी। 1962 में रेमन मैग्सेसे पीस प्राइज दिया गया, और 1979 में 1979 में नोबल नोबल पीस प्राइज दिया गया इनको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1983 में अगेन पोस्टिमसली दिया गया ये अवार्ड, 1983 में दिया गया विनोबा भावे को, इनको हम आचार्य भी कहते थे, तो इनका हम कह सकते हैं इनका ना, जो नाम था वो आचार्य विनोबा भावे था। 1958 में ये पहले रेसिपिएंट थे रेमन मैग्सेसे अवार्ड के, ठीक है। तो सबसे पहला रेमन मैग्सेसे अवार्ड ही इनको दिया गया। उसके बाद इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की, और इनको नेशनल टीचर ऑफ इंडिया कहा जाता है, स्पिरिचुअल सक्सेसर ऑफ महात्मा गांधी भी इन्हीं को कहा जाता है, और इन्होंने गीता का ट्रांसलेशन किया मराठी लैंग्वेज में, किस नाम से, गीताई नाम से, ठीक है, गीताई के नाम से इन्होंने उसका ट्रांसलेशन भी किया। आगे 1987 में हमारे पास आते हैं, हमारे सामने फर्स्ट फॉरनर रिसिपियंट ऑफ भारत रत्न अवार्ड, खान अब्दुल गफार खान, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, ठीक है, इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे। और ये जो है ये खिलाफ थे पाकिस्तान और भारत के जो पार्टीशन हुआ था जो, तो ये उसके अगेंस्ट थे, ये बात याद रखनी है, ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 1920 में इन्होंने खिलाफत मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया, और 1928 से 29 तक 1928 to 29 इन्होंने खुदाई खिदमतगार आंदोलन, इसमें भी अपनी काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। 1988 में दिया गया एम जी रामाचंद्रन को दिया गया, ये भी मरणोपरांत दिया गया। इनको पीपल्स किंग भी कहते थे, इनको पीपल्स किंग भी कहा जाता था, क्योंकि ये लोगों के बीच बहुत फेमस थे। 3 बार जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर रहे, उसके साथ साथ ये एक तमिल एक्टर भी थे और काफ़ी मशहूर एक्टर थे। 1936 में उन्होंने अपनी फिल्म साथी लीलावती से डेब्यू किया था, और इन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है वाई आई वॉज बॉर्न। एक और चीज़ मैं इनके बारे में बताऊं, इनको पद्मश्री अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था, पद्मश्री अवार्ड के लिए भी इनको नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जब इनके पास वो इनविटेशन लेकर गए तो उन्होंने वो इनविटेशन लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जो भाषा है वो तमिल है, और ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, तो मैं इस इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो इनको फिर जो है भारत रत्न अवार्ड, जो पद्मश्री अवार्ड है, वो फिर नहीं दिया गया था, इन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। आगे चलते हैं, 1990 में दो लोगों को मिला
और मैं कहूँगा मोस्ट डिजर्विंग पर्सन है ये भीमराव अंबेडकर। इनको बाबा साहेब कहते हैं, इनको संविधान का पिता कहा जाता है, ही इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इन्होंने ही संविधान की जो है संविधान को लिखा था, क्योंकि ये भारत का जब संविधान लिखा जा रहा था तो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड यही थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, और आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर भी ये बने। इनके पास कुल 17 डिग्री थी, ऐसा कहा जाता है कि ही इज द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन द वर्ल्ड। और इन्हीं की याद में 14 अप्रैल को वर्ल्ड नॉलेज डे मनाया जाता है, 14 अप्रैल में इन्हीं की याद को वर्ल्ड नॉलेज डे मनाया जाता है। दूसरे नंबर पर बात करेंगे नेल्सन मंडेला की, आप देख सकते हैं नेल्सन मंडेला, इनको जो है गांधी कहा जाता है साउथ अफ्रीका का। जैसे महात्मा गांधी ने भारत में बहुत जोर लगाया, ठीक है ना, इसी बहुत जोर लगाया आजादी के लिए, इसी तरह से इन्होंने वहां पे जो है जोर लगाया रंग भेद के हिसाब से, जैसे काला और गोरा, इसका जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए। और ये इसी इसी अपने प्रयास की वजह से ही ये पहले अश्वेत प्रेसिडेंट हुए साउथ अफ्रीका के। ठीक है, तो ये एंटी अपार्थाइड जो मूवमेंट है ये वही है कि जो रंग भेद के आधार पर जो लोगों का शोषण किया जाता है उससे रिलेटेड थे ये। उसके बाद 1991 में फिर 3 लोगों को दिया गया, राजीव गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया वो मरणोपरांत दिया गया, राजीव गांधी जी को मरणोपरांत दिया गया। ये हमारे राजीव गांधी छठे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, ठीक है, और यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, 40 साल की उम्र में ही भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं की याद में 31 अक्टूबर को जो इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है हम नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। और ये पहले होम मिनिस्टर थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे भारत के। मोरारजी देसाई की बात करें तो वो सेकंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उसके बाद ये पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, ठीक है। जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो पहली बार कांग्रेस की सरकार गिरी थी। और ये ओल्डेस्ट पर्सन है टू होल्ड द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एट एज ऑफ 84। जब ये 84 साल के थे तब प्रधानमंत्री बने थे, तो इनकी जो उम्र है वो अभी तक के प्राइम मिनिस्टर्स में सबसे ज्यादा उम्र है। ओनली इंडियन टू गेट हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान। इनको ना कि सिर्फ भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, इनको पाकिस्तान का भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है जिसका नाम है निशान ए पाकिस्तान, ठीक है। तो ये चीज़ भी जरूर याद रखिए, सिर्फ इन्हीं को मिला, अकेले ऐसे भारतीय हैं। आगे बढ़ते हैं, 1992 में फिर 3 लोगों को दिया गया, जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हैं इनको मरणोपरांत दिया गया। उसके बाद जीआरडी टाटा और सत्यजीत रे, जो मरणोपरांत दिया गया अब मौलाना अब्दुल कलाम को, ये हमारे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और इन्हीं की याद में 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे भी मनाते हैं। जीआरडी टाटा ये एक अकेले ऐसे हैं जिन जो एक उद्योगपति हैं जिनको दिया गया। इन्होंने शुरुआत की टाटा ग्रुप की, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा सॉल्ट, वोल्टास, एयर इंडिया। 1983 में इनको फ्रेंच लीजन ऑफ ऑनर भी दिया गया था। उसके बाद 1955 में इनको दिया गया, 1955 में और 1992 में इनको पद्म विभूषण और भारत रत्न दिया गया। 1992 में तो आप देख सकते हैं भारत रत्न दिया ही गया, 1955 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया था। सत्यजीत रे भारत के बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं, इनको ही दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था 1984 में। और इन्होंने जो अपनी मूवी है एज ए डायरेक्टर जो इनकी मूवी थी वो थी पहली मूवी पत्थर पंचाली। कौन सी मूवी थी? पत्थर पंचाली। 1977 की बात करें, 1977 में फिर 3 लोगों को दिया गया, गुलजारीलाल नंदा 2 बार भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। और जो जब लाल बहादुर शास्त्री जो थे ये हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद भी ये प्रधानमंत्री बने इंटरिम। और लाल बहादुर शास्त्री के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने, तो लाल बहादुर शास्त्री से पहले और बाद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर यही थे, गुलजारी लाल नंदा। उसके बाद अरुणा आसफ मलिक दिल्ली की पहली मेयर है। उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट, जब मैंने बताया जैसे 1946 में जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें ये रेलवे मिनिस्टर बनी थी। और इनको जो है इनको मतलब इनकी जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है इंडियन नेशनल जो फ्लैग है वो होस्ट किया था, कहाँ पे? इंडियन जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 उसमें बॉम्बे में हुआ था ये। इन्होंने एक मैगजीन आती है मंथली मैगजीन जिसका नाम था इंकलाब, उसकी भी एडिटर रही है। और इन्होंने जो है उसके साथ काम किया, राम मनोहर लोहिया के साथ मिलके इस मैगजीन में काम किया। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम, ये भी जो है मतलब कि प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जैसे भारत के 11वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद मिसाइल मैन कहा जाता है इंडिया को। ये साइंटिस्ट थे जो रिलेटेड थे एरोस्पेस साइंटिस्ट और डिफेंस साइंटिस्ट से, ठीक है। तो हम इनको कह सकते हैं कि डिफेंस साइंटिस्ट थे हमारे भारत के। और इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था जब भारत न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था 1998 में, 1998 में पोखरान 2, ठीक है, पोखरान 2 में इन्होंने बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई। और जो मिसाइल्स हैं भारत की, अग्नि और पृथ्वी, दोनों ही इनकी सुपरविजन में बनी है। इन्हीं के नाम पर 15 अक्टूबर को हम स्टूडेंट्स डे मनाते हैं।
इनकी बर्थ एनिवर्सरी को, ठीक है। 1998 में फिर जो है दो लोगों को दिया गया भारत रत्न, एम एस सुब्बुलक्ष्मी और चिदम्बरम सुब्रमण्यन, चिदम्बरम सुब्रमण्यम, ठीक है। तो जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी है वो भारत की क्लासिकल सिंगर है, ये पहली म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न दिया गया, पहली म्यूजिशियन एवर। उसके बाद फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू रिसीव द मैगन मैगसेसे, रेमन मैगसेसे अवार्ड, ठीक है। भारत रत्न और रेमन मैगसेसे दोनों ही अवार्ड लेने वाली पहली भारतीय है, म्यूजिशियन है। उसके बाद शी वॉज द फर्स्ट इंडियन हु परफॉर्म इन यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली 1966। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में पहली बार परफॉर्म किया 1966 में। इसके बाद चिदम्बरम सुब्रमण्यन की बात करें तो ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी रहे, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस भी रहे, गवर्नर रहे महाराष्ट्र के, और जो है फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे। इनको जाना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जाने जाते हैं। आगे देखते हैं, 1999 जो है एक एक्सेप्शन ईयर था। मैंने बताया था कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा तीन लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन 1999 में चार लोगों को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया। ये कौन कौन है? जयप्रकाश नारायण, ये पोस्थमिसली दिया गया, ठीक है, ये पोस्थमिसली दिया गया। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक भी कहते थे। अमर्त्य सेन, इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है 1988 का। और गोपीनाथ बरदलोई, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे आसाम के। और पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर के बारे में थोड़ा जरूर पढ़ के जाइए, जरूर पता होना चाहिए, ये भारत के बहुत बड़े सितारिस्ट थे। इनको चार ग्रैमी अवार्ड मिल चुके थे। अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी महान हस्ती थी, चार ग्रैमी अवार्ड मिल चुके थे। उसके बाद इनको कहा जाता है वर्ल्ड बेस्ट नोन एक्सपोनेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट नोन एक्सपोनेंट ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। उसके बाद 2001 में लता मंगेशकर जो है ये मोस्ट डिजर्विंग पर्सन है, वन ऑफ द मोस्ट डिजर्विंग पर्सन, इनको दिया गया। इनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, भारत की स्वर्ग कोकिला कहते हैं इनको। दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया 1989 में। और इनके बारे में आप देखिए, इन्होंने जो गाने गाए हैं, जो इनके सॉन्ग्स हैं, वो इन मोर देन 36 लैंग्वेजेस हैं, 36 भाषाओं से ज्यादा भाषाओं में इन्होंने जो है सॉन्ग गाए हैं। उसके बाद उस्ताद बिस्मिल्ला खान को दिया गया, ये शहनाई वादक थे बहुत ही बड़े, और तीसरे क्लासिकल म्यूजिशियन है, ठीक है, किनके बाद? एम एस सुब्बुलक्ष्मी के बाद और रवि शंकर के बाद, जिनको भारत रत्न दिया गया। अभी मैंने पीछे ही आपको इन दोनों को, आपका नाम बताया था, आपको इन दोनों को 102वें बर्थडे पर इनको गूगल ने डूडल बनाकर इनका जो है इनको सम्मानित किया था, इनके 102वें बर्थडे पर, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्ला खान। आगे 2009 में मिला पंडित भीमसेन जोशी को। इन्होंने मतलब ये ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा कंसर्ट किए हैं, सबसे ज्यादा कंसर्ट जो है किए हैं इन्हें इन्होंने ही किए हैं। उसके बाद ये कर्नाटका से थे, ठीक है, क्लासिकल ट्रेडिशन में जो है ये सिंगर थे। और ये कौन सी किस तरह की सिंगिंग करते थे? ख्याल तरह की सिंगिंग करते थे, ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग करते थे। और इनको संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप भी दिया गया था, ये भी एक हाईएस्ट अवार्ड होता है संगीत नाटक एकेडमी द्वारा, जो दिया जाता है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप, 1998 में दिया गया था, ठीक है। 2014 में दो लोगों को दिया गया, सी एन आर राव, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, आप इनके बारे में पढ़ेंगे ना, ये देखिए इनके इनको कहा जाता है ही इज डिस्क्राइब्ड एज साइंटिस्ट हु हैड वन ऑल द पॉसिबल अवार्ड्स इन हिज फील्ड एक्सेप्ट नोबेल प्राइज। मतलब ये केमिस्ट है, ठीक है, इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट्स दी गई है 60 यूनिवर्सिटीज ने, ना कि सिर्फ भारत की बल्कि बाहर अलग अलग विदेशों ने भी इनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की डिग्री दी है। तो अपने फील्ड में ये केमिस्ट है, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में, ठीक है, अपने फील्ड में ये जितने अवार्ड मिल सकते हैं एक साइंटिस्ट को, एक केमिस्ट को, वो सब जीत चुके हैं। बस एक भारत रत्न नहीं मिला है, उसको छोड़ के सभी अवार्ड इनको दिए जा चुके हैं। और सचिन रमेश तेंदुलकर, अब आप सोचेंगे कि ये स्पोर्ट्स पर्सन, इन्होंने क्या किया है, तो इन्होंने जो है इनको स्पोर्ट्स की वजह से नहीं, इनको पब्लिक अफेयर्स की वजह से मिला, इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है, पब्लिक जो है उसके लिए भी काफ़ी अच्छा काम किया है। अभी इनको स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड भी दिया गया था रिसेंटली, तो आप समझ सकते हैं ना कि सिर्फ स्पोर्ट्स में, ये स्पोर्ट्स से हटके भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, ठीक है। ये यंगेस्ट एंड फर्स्ट एवर स्पोर्ट्स पर्सन है, फर्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि यंगेस्ट पर्सन टू रिसीव भारत रत्न, तो भी सचिन रमेश तेंदुलकर होगा। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन या ओनली स्पोर्ट्स पर्सन, तो भी रमेश तेंदुलकर होगा, सचिन रमेश तेंदुलकर होगा। ये पहले क्रिकेटर थे, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। इनको और भी बहुत सारे अवार्ड दिए जा चुके हैं, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण, पद्मश्री। और ये अकेले ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 100 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाई है, फर्स्ट ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने एक डबल सेंचुरी बनाई है ओडीआई में, ठीक है।
बात करते हैं 2015 में, 2015 में दिया गया दो लोगों को, पंडित मदन मोहन मालवीय, महामना कहते थे इनको, इनका इनको महामना भी कहा जाता था, पोस्टिमसली दिया गया। उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की 1916 में, और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी शुरू किया था इन्होंने इलाहाबाद में 1909 में, द लीडर, द लीडर याद रखिए। अटल बिहारी वाजपेयी, ये भी भारत के जो है पहले पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इन्होंने 3 टर्म एज ए प्राइम मिनिस्टर निकाले। अब 3 टर्म, एक जो पहली टर्म थी वो सिर्फ 13 दिन की थी, दूसरी जो टर्म थी वो 13 मंथ की थी, और जो तीसरी टर्म थी वो फिर वो फुल टर्म थी। उसके बाद ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रहे जब मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। उसके बाद इनको 1994 में बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड भी दिया गया, और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस डे भी इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। और 2019 में दिया गया 3 लोगों को, जिसमें से दो जो दिया गया वो पोस्टिमसली दिया गया, दो अवार्ड मरणोपरांत दिए गए। एक दिया गया नानाजी देशमुख को, नानाजी देशमुख को जो है इनका जो जन्म, अब क्योंकि देखिए ये सबसे रिसेंट के हैं तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका कहाँ पे जन्म हुआ, कब हुआ, कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा पता होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट के हैं, ठीक है। तो जो नानाजी देशमुख है इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1916 को। ये एक मराठी स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली से जन्म हुआ था, कहाँ पे, काटोली, कडोली में, ये है कहाँ पे, हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये एक सोशल रिफॉर्मर थे और इनको पद्म विभूषण भी मिला था 1999 में, ठीक है। बात करते हैं भूपेन हजारिका की, तो भूपेन हजारिका के जन्म 1926 में हुआ था, 1926 में असम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है। ये सिंगर थे, पोएट थे, असमीज भाषा से ये बिलोंग करते थे। इनको सुधा कांता भी कहा जाता था, अगर इनका जैसे निक नेम पूछे तो सुधा कांता कह सकते हैं। और इनको और भी बहुत सारे अवार्ड दिए गए थे, जैसे नेशनल फिल्म अवार्ड 1975 में, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1987 में, पद्मश्री 1977 में, पद्म भूषण 2001 में, दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1992 में, और संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप 2008 में। देखिए संगीत नाटक ने ही 2 अवार्ड दिए हैं, एक तो दिया है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड और एक दिया है संगीत नाटक एकेडमी फेलोशिप। तो जो ये होता है ये संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा दिया गया हाईएस्ट अवार्ड होता है। उसके बाद प्रणब मुखर्जी, हमारे भारत के इससे पहले जो रामनाथ कोविंद जो अभी राष्ट्रपति हैं उनसे पहले राष्ट्रपति थे, इनका जन्म हुआ था बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल के। ये भारत के 13वें प्रेसिडेंट थे, प्लानिंग कमीशन के हेड थे 1999 में, और इन्होंने अपनी ही खुद की पार्टी बनाई थी, एक राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी, लेकिन बाद में उसको मर्ज कर दिया 1989 में, इन्होंने कांग्रेस के साथ इनको उस पार्टी को मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये है कंप्लीट लिस्ट, हमने पूरे 48 के 48 लोगों के बारे में पढ़ा है, दो दो लाइनें, थोड़ा थोड़ा हमने सबके बारे में जाना है। अब आते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले जैसे किस आर्टिकल के तहत, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस आर्टिकल के तहत जो भारत रत्न के अवार्डीज होते हैं वो अपने नाम के आगे कोई टाइटल यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लीजिए सचिन तेंदुलकर है तो वो कहीं लिखते हुए अपना नाम लिखते हुए ये नहीं लिख सकते कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, वो टाइटल नहीं लिख सकते अपना, इसको एज ए टाइटल यूज नहीं कर सकते, टाइटल या सरनेम भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा लिखा गया आर्टिकल 18.1 में। देखिए पहले जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में एक नाइटहुड दी जाती है, नाइटशिप दी जाती है, तो जिनको नाइटहुडशिप दी जाती है वो लोग अपने नाम के आगे सर यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग अपने नाम के आगे सर यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि रमेश सचिन तेंदुलकर को ही मान लीजिए ब्रिटेन से नाइटहुडशिप दी जाती है, तो वो अपने नाम के आगे सर लगा सकते हैं, वो अपना नाम लिख सकते हैं ऑफिशियली कि सर सचिन तेंदुलकर। लेकिन अगर भारत रत्न के जो अवार्डीज हैं उनको ये इजाजत नहीं है कि वो अपने नाम के आगे इस भारत रत्न को एज ए टाइटल या एज ए सरनेम यूज करें, ठीक है। मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज पहले दिया गया, भारत रत्न बाद में दिया गया। मदर नोबेल प्राइज मिल गया था 1979 में और भारत रत्न जो मिल गया था वो 1980 में मिल गया था। उसके बाद अमर्त्य सेन जो है, अमर्त्य सेन को 1998 में अवार्ड दिया गया और उसके एक साल बाद भारत रत्न अवार्ड दिया गया उनको। जो भारत रत्न अवार्ड है, जो भारत रत्न अवार्ड है वो कहाँ पे बनते हैं, वो बनते हैं अलीपुर मिंट कोलकाता में, और उसके साथ साथ यहाँ पे पद्म वीर चक्र, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सभी अवार्ड यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, कोलकाता में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ही एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अवार्ड दिया गया था, 1992 में अनाउंस कर दिया गया था, लेकिन इनकी फैमिली ने अवार्ड लेने से मना कर दिया था क्योंकि जो ये इनको अवार्ड दिया जाना था वो पोस्टिमसली दिया जाना था, लाइक एज ए मरणोपरांत, लेकिन इनकी फैमिली ने ये कह के मना कर दिया था कि हमने
जो है हमें अभी तक इस चीज का कोई प्रूफ नहीं मिला है कि जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो इसलिए हम इस अवार्ड को मरणोपरांत के नाम से हम इसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो उनको नहीं दिया गया था इनको, ये सिर्फ अकेला ऐसा केस है जो अनाउंस तो किया गया लेकिन ये बाद में दिया नहीं गया। ठीक है, अब मुझे लगता है मैंने एक स्लाइड छोड़ दी है, मैं एक बार फटाफट चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है अमर्त्य सेन वाली जो फ्लाइट है, जो साइड है, हमने छोड़ दी है। एक सेकंड मेरे साथ बने रहिए आप, हमने ये सभी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं सॉरी, हम कर चुके हैं ये सभी डिस्कस। कर चुके हैं, सॉरी 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 गाइस। चलिए, सभी सभी हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अगर आप यहाँ तक बने रहे हैं तो मैं समझूंगा आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, तभी जो है आप इस वीडियो को लास्ट तक मेरे साथ बने रहे। आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अगर कोई कमी है तो प्लीज़ मुझे प्लीज़ बताइए। ठीक है, आई एम सॉरी कि मैंने लास्ट टाइम पे एक बार दोबारा से आपको क्विक रिवीजन कराया दिखाया। और वही, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आने वाली जो वीडियोस हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जो आज का टारगेट है 100 लाइक्स का, 50 सब्सक्राइबर का, जरूर पूरा कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।